ईद और नवरात्रि को लेकर प्रशासन का रूट मार्च कोतवाली के मिर्जा हाजीपुरा चौक तक निकाला रूट मार्च। पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी केंद्रीय फोर्स सहित निकाला गया रूट मार्च। दोनों त्योहारों को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेगा प्रशासन। ईद की नमाज को लेकर प्रशासन का पुख्ता इंतजाम, उपयुक्त फोर्स की व्यवस्था की गई। पुलिस अधीक्षक इला मारेन ने दी जानकारी। देखिए कल पूरा प्रदेश में वो ईद मनाया जाएगा, उसी के लेकर लगातार तैयारियों मऊ जिले में चल रहा है। हम लोग जो सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग होता है जनपद स्तर पर, वो ऑलरेडी हो चुका है। उसमें जनपद से जो भी इम्पोर्टेंट लोग सभी लोग उसमें आए थे। उसके बाद थाने लेवल पे भी कई बार पीस कमेटी मीटिंग हो चुका है। ये मीटिंग के दौरान हम सभी लोग से अनुरोध किया है, त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से जो भी निर्देश से उसको अनुपालन करते हुए अच्छे से बना के लिए हम लोग अनुरोध किया गया है। उसके बाद लगातार जो जनपद के फोर्स के अलावा भी हम लोग बाहर से तीन कंपनी CAPF और ये कंपनी PAC भी मिला हुआ है। इसका भी हम लोग नियुक्त किए हैं जो भी इम्पोर्टेंट स्थान पर लगा हुआ है। कल लगभग 250 मस्जिद और ईदगाहों में 6 और 8 का बीच में नमाज होगा और इसका लेकर पूरा तैयारी किया गया है। शांति व्यवस्था बना कर रखने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। नवरात्रि भी 9 तारीख से चल रहा है, उसके लिए भी हम लोग मंदिर में पूरा व्यवस्था किया है। और कल ही एक दिन ऐसा है, दोनों को त्यौहार है, फिर भी हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार करने के लिए सबसे अनुरोध किया। पूरा शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए व्यवस्था भी किया गया है।